हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड क्रीम चीज़ की रेसिपी। सिर्फ आधे लीटर दूध से आप 150 ग्राम क्रीम चीज़ घर पे बना सकते हैं। और क्रीम चीज़ बनाने के लिए आपको ना तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्रीम चीज़ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है आधा लीटर दूध। तो यहाँ पे मैं फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, पर फुल फैट मिल्क से ज़्यादा छेना निकलेगा, इसलिए मैं फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। अब आपको गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है और इसमें डाल देना है 1 चम्मच विनेगर। अब आपको क्या करना है, आपको दूध को अच्छे से फाड़ लेना और इसका छेना बना के रेडी कर लेना है। आप चाहे तो विनेगर की जगह इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी दूध बहुत अच्छे से फट जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा दूध फटने लगा है। आपको दूध को ना बिल्कुल अच्छे से फाड़ लेना है। तो ये देखिए दूध फट चुका है, पर अभी ये अच्छे से नहीं फटा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर और डाल रही हूँ। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए दूध अब अच्छे से फट चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको दूध को बिल्कुल अच्छे से छान लेना है और छेना को इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि इसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए। अब आपको इसमें डालना है नॉर्मल पानी और फिर से इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देना है। इससे ये होगा, छेने में जितनी भी खटास है वो निकल जाएगी, इसलिए आपको इसमें नॉर्मल पानी डाल के इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देना है। अब आपको इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो ये देखिए पानी अच्छे से निकल चुका है। तो अब आपको छेने को मिक्सी में डाल देना है। इसमें डाल देना है 2 चम्मच बटर। बटर आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है और मैंने अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। 1/4 चम्मच आपको इसमें डाल देना है नमक और 2 चम्मच आपको इसमें डाल देना है फ्रेश क्रीम। अब आपको इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है जब तक कि ये बिल्कुल एकदम स्मूथ ना हो जाए। तो ये देखिए अभी ये हल्का सा स्मूथ हुआ है, अभी आपको इसको और ज़्यादा स्मूथ करना है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल एकदम स्मूथ है। इसका मतलब हमारी चीज़ क्रीम बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। तो देखा आपने क्रीम चीज़ बनाना कितना ज़्यादा आसान था। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ।